दोखंड वाला शोलापुर शहर से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो चर्चा चल रही है शोलापुर शहर में, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा दीजिए। आप पार्टी में जाने से पहले क्या क्या शरायत रखिए अजीत पवार साहब के सामने, इसका खुलासा दीजिए थोड़ा सा। क्या नहीं, हम पूरे नगर सेवक आया है अजीत दादा के पास आए थे। अच्छा, जो अच्छा राष्ट्रवादी कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री है। अच्छा, उनसे मुलाकात ली है। हाँ, तो हमारा एक निवेदन था, निवेदन दिए है। हाँ, कि सोलापुर की हालत कैसे है, क्या है, उसके बारे में मालूमत दी है हम। अच्छा, और हमने निवेदन दिया है कि विकास निधि के बारे में। अच्छा, क्योंकि हमारा हाथवार भाग है, शहर का भाग है, बादशाहपेट एरिया में कुछ एरिया में काम नहीं हो रहे, लोग नाराज है, इसलिए हमने निवेदन दिया। अच्छा, और इंशाल्लाह दादा ने हमें आश्वासन दिया है। अच्छा, कि हमारी जो भी मांगना है वो मान्य करेंगे। हाँ, और जो हमको विशेष निधि खास देंगे बोलकर। अच्छा, दादा ने हमें वादा किया है। अच्छा, और इंशाल्लाह आज तक कुछ डिस्कस भी हुआ हमारा पार्टी के ताल्लुक से, इसके ताल्लुक से। तो हमारे जो भी अड़चन है, जो समस्या है, प्रॉब्लम है, काम रहेंगे। हाँ, तो दादा ने हमें वादा किया है कि वो सब मिलकर इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, और 4 से 8 दिन के अंदर दादा जयंत पटेल साहब सोलापुर आने वाले है। अच्छा, और इंशाल्लाह हमारा जो कुछ लोगों की मांगनी थी और कुछ राष्ट्रवादी के नेता लोग भी हमारा सिफारिश किए थे वहाँ पर, इसलिए इंशाल्लाह राष्ट्रवादी में प्रवेश होना हमारा तय है। अच्छा, ये फाइनल हो चुका है, इंशाल्लाह 4-8 दिन में। अच्छा, प्रवेश होगा। और हमारा मकसद यही है कि सोलापुर का विकास होना, तरक्की होना, डेवलपमेंट होना, कि लोगों की जो अधूरे काम है, काम पूरे होना, ये हमारी मांगनी है। और मांगनी के लिए राष्ट्रवादी पार्टी सत्ते में, इसलिए हमने उनसे ये कांग रखा है। और इंशाल्लाह हमारे जो वादे हैं, मांग है, इंशाल्लाह पूरी होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा, और हमारा मकसद यही है कि जो हर वार्ड में, एरिया में काम होना, सोलापुर का भला होना, विकास होना, और हमारे समाज के भी कुछ जो अधूरे काम है, इंशाल्लाह वो भी काम पूरे होना, इस मकसद से हम राष्ट्रवादी पार्टी में जाने वाले आए। अच्छा, अच्छा, आप ये हमारा मकसद है। अच्छा, तौफीक भाई, के बारे में, यहाँ के महिलाओं के बारे में, यहाँ के बेरोजगारी के बारे में आपने जो मसाइल रखे अजीत पवार साहब के सामने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या नहीं, वही बोले उन्होंने। अच्छा, आप वापस और एक बार आओ या मैं आऊंगा बोले उन्होंने। अच्छा, आपकी जो समस्या है और एक बार आप बोलो वापस आकर। अच्छा, तो और हमारे पार्टी को आप साथ दो बोले। अच्छा, तो आने वाले महानगरपालिका इलेक्शन में अपनी सत्ता लाओ। आपके जो भी मसले मसाले, अधूरे काम है, इंशाल्लाह पूरा पूरा करेंगे। उन्होंने हमें अच्छा वादा किया है। हाँ, आपका साथ देंगे पूरा पूरा। हाँ, वादा करे। ठीक है, शुक्रिया तौफीक भाई, आजादी बचाओ न्यूज चैनल ने आपका। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।